हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं रिचा किचन। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ वेज मैगी मसाला। वेज मैगी मसाला के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक पैकेट मैगी, एक कटा हुआ टमाटर, साथ में हमने लिए यहाँ पे प्याज, कटे हुए शिमला मिर्च, कुछ बीन्स हमने काटे इसमें बारीक, और साथ में हमने इसमें हरी मिर्च काटी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है। कढ़ाई गर्म होने के बाद हमने इसमें तेल डालना है। तेल को हमने गर्म होने देना है। तेल जब गर्म हो जाए इसके बाद हमने इसमें जीरा मिलाना है। साथ में इसमें हमने कसूरी मेथी डालनी है, ये देखिए। इसके बाद हमने ये सारा मिक्स करना है इसमें। हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको हमने अच्छे से भून लेना है। इसको हमने गैस को मीडियम फ्लेम में रख रखा है। कम से कम इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे जो वेजिटेबल्स है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद हमने इसमें टमाटर मिक्स करना है। टमाटर मिक्स करने के बाद इसमें हम इसमें हल्का सा नमक मिलाएंगे। थोड़ा सा नमक मिलाना है। नमक के अलावा इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना, क्योंकि मैगी मसाला ऑलरेडी हमारे पास है। नमक ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। और इसको 2 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, हमारी जो वेजिटेबल्स है अच्छे से पक चुकी है। इसके बाद हम इसमें मैगी ऐड करेंगे। मैगी ऐड करने के बाद इसमें हमने 1 गिलास पानी डालना है। मैगी मसाला ऐड करना है इसमें हमने। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा वेज मैगी मसाला तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। Thank you.